कोई भी कार जो है 80 से ऊपर नहीं चल रही थी उस रूट। जब मैं अभी दोबारा जल्दी में गया तब मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा एक्सीडेंट सामने आया। जय श्री राम, जय श्री महाकाल की। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे कि हम अयोध्या से लौट के आए थे, और टोटल हमारे फरकावा से अयोध्या की दूरी है 340 किलोमीटर, और टाइम लगता है लगभग 5.5 घंटा, 6 घंटा भी लग जाता है, 5 से 6 घंटे के बीच में लगता है। और एक्चुअली में जो पूरा टाइम लगता है वो लगता है जो भी समय लगता है लखनऊ से अयोध्या, क्योंकि वो रोड जो है बहुत ज्यादा चौड़ी रोड नहीं है, प्लस हाईवे तो है ही, लेकिन प्लस वो जो है इधर उधर से खुला है। सबसे खास चीज मैंने उस रोड पे देखी थी जब मैं 31 जनवरी को गया था और 2 फरवरी को वहाँ से लौट के आया था, तो उस समय भी रात हो गई थी, हमें लगभग उस समय समय हो गया था 8 बज रहे थे, नाइट यानी हो चुकी थी, सर्दी में 8 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। कोई भी कार जो है 80 से ऊपर नहीं चल रही थी उस रोड पे, तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, मैं तो उस दिन पता नहीं था, तो अपनी सही स्पीड मेंटेन कर रहा था, 100, 110, 90, जैसी जगह मिल रही थी वैसी चला रहा। लेकिन जब मैं अभी दोबारा गया 2 दिन पहले, तब मुझे पता चला कि ये कारें जो हैं कम स्पीड में क्यों चल रही हैं। सबसे बड़ा कारण था कि जो आवारा जानवर होते हैं, चाहे भैंस हो, गाय हो, नील गाय का सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि दोनों तरफ खेत थे, हाईवे इतना ऊंचा नहीं था, तो इसलिए जो है सभी गाड़ियां वहां पे धीमी चल रही थी। जब मैं अभी दोबारा जल्दी में गया तब मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा एक्सीडेंट सामने आया, कि तब मुझे जाके मालूम पड़ा कि भाई वाकई में ये गाड़ियां धीमी क्यों चल रही थी, क्योंकि रास्ते में एक जगह रोड पे एक नील गाय मुझे पड़ा हुआ दिखाई दिया, हालांकि वो जिंदा था, वो बैठा था, कार का जो है लाइट वगैरह वहां पे टूटी पड़ी थी, गाड़ी नहीं दिखाई दी कि वो कार कहाँ है जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ, या कौन सी गाड़ी, जो भी हो, या तो बड़ी गाड़ी से मैंने कहा हुआ होगा, ट्रक वगैरह से वो चला गया होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा होगा। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा मात्र 0.5 किलोमीटर, तो मुझे गाड़ी मिली स्विफ्ट डिजायर, जिससे उसकी टक्कर हुई थी, और उसका पूरा आगे का हिस्सा पूरा टूटा हुआ था, बोनट तक और कार की विंडशील्ड वगैरह सब टूटी हुई थी। तब मैंने अनुमान लगाया कि हाँ भाई, इसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है भाई। तब भाई मैंने भी अपनी स्पीड थोड़ा डाउन कर दी, क्योंकि उस समय जो है समय हमारा भी हो चुका था, लगभग 8 बज चुके थे नाइट के, जब दोबारा मैं जा रहा था तब, तो फिर मैंने भी स्लो कर दी, और आते समय तो थोड़ा दिन था, लेकिन गाड़ी जो है उस हाईवे पे स्लो रखी, तो लगभग सारी गाड़ियां जो है स्लो ही थी। अगर जो आदमी कहीं से बाहर से आया था वही अपनी गाड़ी को वहां पे उड़ा रहा था, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि यहां पे क्या च्यवनप्राश मिलने वाला है इस रोड पे, तो इसलिए वो सब धीमे चले। और भाई, इस मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठे हैं, लेडीज कैसे लटकी हुई है भाई, ये देखो भाई। तो भाई देखो, हमारे यहाँ पूरा बन रहा है ये रोड, और इस रोड के कारण जो है बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है इस समय, लेकिन जहाँ मुझे जाना है यहाँ से लगभग ज्यादा दूर नहीं आना है, लेकिन मैं अपना रूट बदली कर दूंगा और दूसरे रूट से जाऊंगा, जब भले ही 10 किलोमीटर मुझे ज्यादा चल के जाना पड़े भाई। ये देखो, यहाँ लग गया भारी मात्रा में भाई जाम निकलते ही, और भाई पुलिस वाले उस्ताद भाई एकदम टाइट फाइट हो रहे हैं भाई, पूरा रोक रखा है और जाम खुलवाने की भाई कोशिश कर रहे हैं। तो आलू बिकने आता है यहाँ पे साइड मंडी, और मंडी में आता है आलू बिकने, बहुत सारे ट्रैक्टर आते हैं, इसलिए लफड़ा है। ये देखो भाई, और देखो यार पूरा जाम लगा है भाई। ये देखो भाई, ये पिकअप वाला लोडर है, इसने घुसेड़ दी गाड़ी बीच में, और देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा वो बोला बड़ा बड़ा मारो टक्कर दूसरे बड़ा बड़ा। और ये इधर देखो, इधर ई रिक्शा वाला दूसरी साइड घुसा आ रहा, जिसकी मर्जी जहाँ वो देखो घुसा चला जा रहा भाई। तो भाई यहाँ पे हो गया पंगा, इस गाड़ी वाले को हो रही है लड़ाई भाई, उसने साइड टक्कर मार दी है इस गाड़ी में भाई पीछे से, ये देखो। लेकिन चलो ज्यादा लगी नहीं, थोड़ी बहुत लगी होगी, क्योंकि वो थी इको स्पोर्ट, और जिसके बाहर बहुत बड़ा पीछे उसका जो स्पेयर व्हील होता है, जो स्पेयर टायर होता है वो लगा होता है, वो बचाव कर जाता है भाई। ये देखो जा रहे शक्तिमान, चलो भाई डरा लेते हैं इराक का पानी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई, इराक का पानी डलाना भाई। तो भाई डला लिया यहाँ पे अपने पेट्रोल, और लेकिन यार पेट्रोल वाले चलाकी बहुत करते हैं भाई, मतलब जीरो देख लिया पेट्रोल डालने लगा, उसके बाद भी बोल रहा जाओ एक बार जीरो देखा। हमने कहा अच्छा बेटा तुम ज्यादा होशियार हो चलाकी करने वाले।
तो भाई ऐसा है ना, हम अयोध्या जब गए थे तो अयोध्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ से लगभग 340 किलोमीटर था, आना जाना लगभग हमारा 700 किलोमीटर का हो गया था। और 700 किलोमीटर में क्या हुआ था, हमने 4400-4500 का पेट्रोल भराया और 1200 रुपये हमारा जो है टोल पड़ा था। और रूट हमारा था कुछ इस तरीके से, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ पहुंचने के बाद हम परिवर्तन चौक होते हुए अयोध्या वाला रोड हमने पकड़ लिया और मस्त अयोध्या भाई प्रभु श्री राम के दर्शन किए, तो अच्छा रहा वहाँ का टूर। लेकिन उस दौरान जो है गाड़ी जो लगभग मेरी चल गई है अभी तक 9800 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है और 10000 पे जो इसकी थर्ड सर्विस होनी है। सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि गाड़ी 10000 पे जो सर्विस होनी है उसके बारे में गाड़ी जब चलाते हैं तभी पता चलता है कि गाड़ी का पिकअप जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है भाई, क्योंकि सर्विस पे है गाड़ी तो वो पता चलता है कि भाई ये गाड़ी सर्विस पे है भाई, वो मजा नहीं आता उठाने में, तो इसलिए इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। तो अब सर्विस 2-4 दिन में इसकी करा देंगे, बाकी तो सब इसका मामला बढ़िया रहा है। और सर्विस पे अब की बार बहुत अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस तो ये लोग करते हैं ऐसे टोटल करते हैं, इसलिए गौर करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड सर्विस में इन्होंने कोई बहुत विशेष सर्विस नहीं की। और जब मैंने गाड़ी के कुछ पार्ट्स आगे बोनट वोनट हटा के देखा साफ करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मट्टी थी, यानी वहाँ तक वो लोग पहुंचे ही नहीं सर्विस करने में। तो क्या इन्होंने सेकंड सर्विस की वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थर्ड सर्विस में बहुत अच्छा खासा जो है ध्यान देना पड़ेगा मुझे भाई। अभी जो है गाड़ी माइलेज दे रही है जो MID पे शो हो रहा है 14.3 का, एक बार माइलेज को भाई रीसेट कर देते हैं, रीसेट करने के बाद देखते हैं कि भाई क्या माइलेज निकल के आएगा अभी, और गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल रखेंगे। सर्विस के बाद मेरे हिसाब से इसका माइलेज तो बढ़ना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। और ये तो मेरा बेस मॉडल है, अभी तक मैंने कुछ भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं लगवाया, और सिर्फ इसलिए नहीं लगवाया कि 360 कैमरे के चक्कर में मैंने नहीं लगवाया, नहीं तो नॉर्मल वाला लगवाना था तो 15-20 हज़ार तक का लगवा लेता, लेकिन 360 की जब मैंने बात की तो वो काफ़ी 35-40 हज़ार के बीच में पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक साल हो गया है। और एक चीज़ और मैंने जान ली इस दौरान, मुझे मालूम था कि गाड़ी में कोई भी स्पीकर नहीं है, लेकिन ये आगे वाले फ्रंट दोनों गेटों पे इसमें स्पीकर है और बहुत मस्त वाले स्पीकर है भाई। तो चलो कम से कम ये स्पीकर वाला जो है खर्चा भाई बच गया भाई। तो भाई इस तरफ है आलू की खेती हमारी, ये जो दिख रही है भाई ये हाँ बेल सब पूरी जर गई है, तो अब इसको खुदवाने की तैयारी करते हैं, पर एक हफ्ता लगेगा अभी, ये गीली है इधर। और एक प्रॉब्लम जो बताना चाहता हूँ जो सर्विस में पिछली बार हुई थी कि सेल्फ कभी कभी काम नहीं करता था इसका, तो सर्विस के बाद जो है पता नहीं क्या अपने आप वो प्रॉब्लम खत्म हो गई या बैटरी का कोई तारा लूज था, तो अब सब सही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इस गाड़ी में, सब मस्त है बिल्कुल। बस थोड़ा माइलेज जो है इसका डाउन जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, या तो गाड़ी सर्विस पे है या कोई ऐसी कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सर्विस पे है कुल मिला के यही, तो इसलिए जो है इसका माइलेज जो है थोड़ा सा डाउन है भाई, लेकिन कुल मिला के गाड़ी बहुत बढ़िया है और मस्त है ये गाड़ी एकदम। तो भाई ये देखो दोनों तरफ इस साइड और इस साइड क्या मस्त खेत है, और आज हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे गांव में एक न्योता है भाई, और गांव का न्योता देखते हैं भाई क्या क्या न्योते में बना है। 20 minutes late. भाई यहाँ पे था पूरा प्रोग्राम और अभी समय हो गया है 6:31 भाई, और अब यहाँ से भाई निकलते हैं भाई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो भाई ये है पूरा वो गांव जहाँ हम आए थे भाई, और बढ़िया रोडे हैं इस गांव में, बढ़िया सीमेंटेड अच्छा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रैक्टर में बिल्कुल नहीं होता कोई इंडिकेटर, जब चाहे तब रात मोड़ देंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा किधर मुड़ रहे हैं भाई, फुल लोड है एकदम आलू लोड है भाई उसमें। ये देखो भाई मिल गया एक और ट्रैक्टर फुल लोडेड भाई, बोला पूरे बोरा लोड है। और एक चीज और इसमें देखी मैंने, इसकी जो है लाइटें जो है चेंज करानी पड़ेगी, थोड़ा हेलोजन ठीक ठाक अच्छी डलाएंगे तो अच्छी रोशनी होगी, क्योंकि ये बेस मॉडल था तो लाइटें ठीक है पर इतनी नहीं है, और थोड़ा अच्छी डलानी पड़ेंगी, तो जब पूरा काम कराएंगे तभी इसमें डलाएंगे भाई लाइटें वगैरह पूरी सब इसमें। तो भाई आ गई है मुख्य रोड, ये
तो भाई पूरी रोड देखो किस तरीके से टूटी है और पूरी गाड़ी देखो कैसे हिल रही है। और ब्रेजा में 40,000 किलोमीटर तक मैंने टायरों की बैलेंसिंग नहीं करवाई थी, व्हील की बैलेंसिंग नहीं करवाई थी, लेकिन इस गाड़ी की 10,000 में करानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। वैसे अभी तक गड़बड़ तो कोई नहीं है, 10,000 गाड़ी चली है, कोई बैलेंसिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कंडीशन रोड की है ना उस हिसाब से तो करानी पड़ेगी। और अगर बैलेंसिंग चेक नहीं कराएंगे तो पूरा गाड़ी जो है टायर ख़त्म कर देगी, ये समझ लो जिस साइड का है। और वैसे भी मेरे लेफ्ट साइड का पिछला जो टायर है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी हवा जो है आए दिन कम होती रहती, तो उसे भी चेक करा लेंगे एक बार, खुलवा के पूरा चढ़वा देंगे वापस, क्योंकि शायद कोई गड़बड़ हो उसमें। भाई ये देखो पूरी रोड भाई कैसे टूटी हुई है। ये लो भाई पहुंच गए हम फर्रुखाबाद, लेकिन आज पूरे सभी जगह जो है जाम ही जाम मिला भाई हमें, और ये जाम जब तक रहेगा जब तक रोड की हालत यहाँ सही ना हो और ये आलू की फसल की सीजन जब तक ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसके कारण जो है ना ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रक लोड होते हैं, कुछ लोग इधर उधर से आते हैं, व्यापारी आते हैं, लोग जाते हैं, तो इसलिए जो है जाम की कंडीशन ज़्यादा बनी हुई है भाई, और जाम सुधर जाए तब बढ़िया रहे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।